हेलो दोस्तों, पंकज कुमार आईटी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, रेल व्हील फैक्ट्री के अंदर कुछ समय पहले ऑफलाइन वैकेंसी निकल कर आई थी, तो लगभग 92 वैकेंसी इसमें निकल कर आई थी। तो इसी की अब मेरिट लिस्ट आ चुकी है, इसकी मेरिट लिस्ट आ चुकी है। कितनी कट ऑफ गई है, क्या नाम आए हैं, तो वह सारी चीज़ें अब आप इसमें देख सकते हैं। अगर आपने अभी इसमें अप्लाई किया था तो आप अपना नाम इसमें आसानी से चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, अभी आप देख सकते हैं मैंने इनका ऑफिशियल नोटिस खोला हुआ है, जो कि अभी अभी निकल कर आया है। तो रेल व्हील फैक्ट्री की तरफ से, यहाँ पे आप देख सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेल व्हील फैक्ट्री की तरफ से निकल कर आया है। तो सबसे पहले तो आप इसमें फिटर का देख लीजिए। इसमें सबसे पहले आपको नाम दिखाई देगा, कास्ट। कास्ट का मतलब दोस्तों आपकी जो भी कैटेगरी है, रिजर्व, अनरिजर्व, ओबीसी, एससी, एसटी, कोई भी कैटेगरी आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे परसेंटेज आई है, जो कि परसेंटेज इसमें बनाई गई है आपकी, परसेंटेज सिक्योर्ड इन मेट्रिकुलेशन और इट्स इक्विवेलेंट। तो मतलब जो भी आपकी मेरिट लिस्ट के परसेंटेज बनी है वो इसमें आप देख सकते हैं, ठीक है। अब आप इसमें नीचे अपना नाम देख सकते हैं। अगर आप फिटर से अप्लाई किया था तो यहाँ पे आप देख लीजिए, दर्शन, जैसे यहाँ पे पहला नाम दिया गया है दर्शन रवि बसलापुर, ये कुछ बैसलापुर ये नाम है कुछ, ये जो अनरिजर्व से बिलोंग करते हैं, और इनकी कट ऑफ, इनकी जो मेरिट बनी है 68.40, तो ये इनकी कट ऑफ है, ठीक है, परसेंटेज है जो इन्होंने सिक्योर किया है। इसी तरीके से आप अपना नाम यहाँ पे देख लीजिए, अगर आपने इसमें अप्लाई किया था तो यहाँ पे अपना नाम देख लीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से नीचे जाते हैं तो यहाँ पे अदर मशीनिस्ट की जो वैकेंसी है, मशीनिस्ट की एक वैकेंसी यहाँ पे सचिन नाम आया है, सचिन एस, जो कि एससी से बिलोंग करते हैं, यहाँ पे ये देख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे इनकी कैटेगरी है और यहाँ पे इनकी परसेंटेज है, ठीक है। और मोटर मैकेनिक व्हीकल का है वीरेश शिव आनंद, तो इनका जो नाम है 59 पे इसकी कट ऑफ है, और जो कि अनरिजर्व से है, ठीक है, 59 इनकी परसेंटेज है जो कि इसमें मैट्रिकुलेशन में आई है, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे टर्नर की है, टर्नर के बाद इलेक्ट्रिशियन की, यहाँ पे काफी सारी है इलेक्ट्रिशियन की, आप देख सकते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिशियन की काफी सारी है, नीतीश कुमार, सिद्धू गोकावी। तो इस तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं आपकी जो भी कैटेगरी है, आप अपना नाम यहाँ पे चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं धीरे धीरे नीचे स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ, तो आप अपना नाम यहाँ पे देख लीजिएगा। तो दोस्तों, इसके बाद यहाँ पे इलेक्ट्रिशियन की एक और आई है, यहाँ पे कुछ नाम यहाँ पे इलेक्ट्रिशियन के दिए गए हैं, ठीक है। यहाँ पे अपना नाम आप चेक कर लीजिएगा, अगर आपका नाम नीचे है। दोस्तों, एक चीज आपको ध्यान रखनी है, अगर आपका नाम आता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा आपकी जो भी ट्रेड है और आपका जो भी कैटेगरी है, और अपने नाम के साथ में नीचे लिख दीजिएगा, ताकि और लोगों को हेल्प मिल सके, उनको भी पता लग सके कि किस बिहाव पे आपकी कट ऑफ गई है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की ये लिस्ट है, आप यहाँ पे अपनी चेकआउट कर लीजिएगा अगर आपका नाम इसमें आता है तो, ठीक है। मैं थोड़ा सा और नीचे की तरफ जाता हूँ। तो दोस्तों, इसमें आपको कहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना है, किस टाइम जाना है और किस डेट में जाना है, तो ये अभी इन्होंने साफ साफ मेंशन नहीं किया है। तो लेकिन इन्होंने एक चीज मेंशन किया कि आपको अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं। इसका मतलब आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जल्द ही बुला लिया जाएगा, और आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट, जो जैसे जो 10th का मार्कशीट है, 10th का मार्कशीट है, आईटीआई का आपको पासिंग सर्टिफिकेट, और आपको एक चीज ध्यान रखनी है, पासिंग सर्टिफिकेट और मार्कशीट आईटीआई की दोनों लेके जानी है, एनटीसी और जो एनसीबीटी का सर्टिफिकेट होता है मार्कशीट, वो भी लेके जाना है। इसके अलावा दोस्तों, आपके अगर कास्ट सर्टिफिकेट आपके मतलब आपने एससी एसटी या ओबीसी से बिलोंग किया था, तो कास्ट सर्टिफिकेट लेके जाना है, जो इनका फॉर्मा होता है, फॉर्मेट होता है, उस पर आपको कास्ट सर्टिफिकेट बनवा के ले जाना है। इसके बाद दोस्तों, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट आप अभी से बनवा लीजिए, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट भी लेके जाना है, और जो कि काफी इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपके पास मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं होता है, मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं होता है, तो आपको वहां पर रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो इसलिए मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट काफी इंपॉर्टेंट है, और आपको जल्दी बनवा लेना चाहिए जिन्होंने अप्लाई किया था। और नोटिफिकेशन में सबसे नीचे आप देखेंगे तो वहां पर मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट का ऑप्शन, एक फॉर्मेट दिया हुआ होगा, आपको वहां से डाउनलोड करके सिंपल भरवा के आपको किसी भी अपने नजदीकी हॉस्पिटल में आप जा सकते हैं, वहाँ पे जो डॉक्टर होते हैं एमबीबीएस सर्जन जो डॉक्टर होते हैं उनसे बनवा लेना है, ठीक है। तो ज्यादा मतलब मुश्किल काम नहीं है, आप एक दिन में बनवा सकते हैं। इसके अलावा आपके जो भी डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किए थे, आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो भी किए थे, सभी का ओरिजिनल और सभी का फोटोकॉपी आपको अपना रेडी रखना है, ठीक है। सभी का ओरिजिनल और फोटोकॉपी आपको रेडी रखना है, कभी भी आपको बुलाया जा सकता है। आप अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी हमेशा चालू रखें, कभी भी आपके लिए मैसेज आ सकता है कि डॉक्यूमेंट कहाँ पे होना है, इस चीज के लिए कभी भी मैसेज आ सकता है, और या फिर आपको सूचित किया जा सकता है, ठीक है। तो आपको इसमें नहीं बताया गया है कि अभी कहाँ पे जाना है, और एड्रेस नहीं दिया गया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जहाँ पे बुलाया जाएगा, सिर्फ नाम आया है जिन लोगों का जो इनपे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए सिलेक्टेड है। तो अगर आपका भी नाम है तो आप इसमें जल्दी से अपने डॉक्यूमेंट सारे तैयार कर लीजिए,
और उम्मीद करता हूँ आपकी जो भी डॉक्यूमेंट है आपके कंप्लीट होंगे, और अगर कंप्लीट नहीं है तो जल्दी से बनवा लीजिए। तो दोस्तों अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहे तो नीचे लाइक का बटन है, वहाँ से लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।